इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका अपने परिवार परीक्षा डोज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने वादा किया था और कि स्टैटिक जीके की मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और वो सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है स्टैटिक जीके का निचोड़। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंटेंट को मैंने इकट्ठा करके और प्रीवियस ईयर को देखते हुए सारा निचोड़ आपके इस क्लास में रख दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लास को आराम से देखना है और जो चीज़ें मैं कंटेंट कराऊंगा वो आपको याद करना है। ठीक, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों या कि और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है वो, यानी कि कोई भी एसएससी संबंधित जिसमें स्टैटिक जीके आती है उसमें बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर एक बात और, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कंटेंट आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सर सोनम लोसर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सोनम लोसर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है एक बार बताइएगा मुझे। सर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, 10 क्वेश्चन हैं लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, सिक्किम के सारे जो भी यहाँ पर वो हो सकते थे उत्सव और मेले, वो मैंने यहाँ पर सारे कवर किए हैं। देखिए, सबसे है लोसुंग, क्या है, पहला है लोसुंग, याद करना है आपको, लोसर, ठीक है, सागादावा, दोपुरम तेसी और भूमचो उत्सव, ये सारे उत्सव आपसे पूछे जाते हैं बार बार, ये आपको याद करने हैं। एक बार बताऊंगा मैं, लोसुंग, लोसर, सागादावा, दुर्पका तेसी और भूमचू, ठीक है, ये सारे उत्सव क्या हैं आपको याद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा सागर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित जितने भी आपके त्यौहार उत्सव मेले थे वो मैंने आपको यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, सबसे पहला आप बताएंगे सर नमो वोट्सो, नमो वोट्सो कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल से जगदात्री पूजा, पश्चिम बंगाल से ढोल उत्सव और ढोल यात्रा। ठीक है, ये एक ही है लेकिन इसको दो तरह से पूछ लेता है, ढोल उत्सव और ढोल यात्रा के लफ्ज़। ठीक है, पोला वैसाखी और तीस्ता चाय महोत्सव, ये सारे कहाँ से संबंधित है आपको? पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संतरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? संतरा उत्सव आपका कहाँ से संबंधित हो जाएगा? सर त्रिपुरा से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से संबंधित हो जाएगा संतरा उत्सव? त्रिपुरा से संबंधित हो जाएगा। और त्रिपुरा के अन्य उत्सव और त्यौहार कौन कौन से हैं? सर खारची पूजा, खर्ची पूजा उत्सव, बिजू उत्सव, होजगिरी उत्सव, केर उत्सव, खुम्पई और गरिया पूजा। ठीक है, ये हो गए आपके कहाँ से, त्रिपुरा से संबंधित। कौन से? खर्ची पूजा, बिजू, होजगिरी, केर उत्सव, खुम्पई और गरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन पढ़िए, मेदराम यात्रा उत्सव, कौन सा? मेदराम यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तेलंगाना से संबंधित जो भी आपके उत्सव हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, बोनाल उत्सव कहाँ से संबंधित है? सर तेलंगाना से, और बथुकम्मा तेलंगाना से, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उत्सव और मेले हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, अलाई वलाई कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से, और तेलंगाना दशहरा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित हो गए? सारे तेलंगाना से संबंधित हैं। बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पर मैंने रखे हैं। आपको 10 क्वेश्चन लगेंगे लेकिन एक एक क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन, यानी कि 60 से 70 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलायत उत्सव, कौन सा? कोलायत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान से जो भी आपके उत्सव और मेले हैं वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए राजस्थान से, देखिए ये आपके महत्वपूर्ण जो भी उत्सव और मेले थे वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक, चलिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, गंगौर उत्सव, सर क्या गंगौर उत्सव, मोमासर उत्सव, ठीक है, पुष्कर मेला,
कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से, बूंदी उत्सव, ठीक है, और मरु उत्सव, इसे क्या कह देते हैं सर, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है, और मत्स्य यानी कि फिश महोत्सव भी कहाँ से संबंधित है, आपका राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, फूलदेई उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो फूलदेई उत्सव आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, कहाँ से संबंधित हो जाएगा, फूलदेई उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और बताएं एक बार कंटेंट कैसा लगा, जैसे कि आगे वीडियो आएगी तो और उसमें मुझे क्या सुधार करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये जानकारी हमें नहीं दी, ठीक है, वो भी आप क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हरेला उत्सव कहाँ से संबंधित है, आपका उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें एक और पूछता है हरेली उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो हरेली कहाँ से हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, जब छत्तीसगढ़ की कराऊंगा तो हरेली कराऊंगा, ठीक है। और घी महोत्सव कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, बाली यात्रा कहाँ से संबंधित है, बाली यात्रा उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, एक बार बताइए सर, उड़ीसा राज्य से संबंधित है बाली यात्रा उत्सव, ठीक है, उड़ीसा राज्य से। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ़ोटो के साथ सारे उत्सव और वो किए हैं, आपको कवर किए हैं, ठीक है, फ़ोटो के साथ आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है, ठीक। चलिएगा, उड़ीसा से संबंधित जो भी आपके उत्सव मेले थे वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। देखो छऊ उत्सव कहाँ का है सर, उड़ीसा का है, ठीक है, उसके बाद कोड़ांक उत्सव, ये भी कहाँ का है, आपका उड़ीसा का है, और नुआखाई उड़ीसा, बहुत ज़्यादा पूछे जाना वाला है नुआखाई, ठीक है, और राजा पर्व या रज पर्व कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से, ठीक है। मिट्टी कला महोत्सव कहाँ से है, उड़ीसा से, और धानु यात्रा, भाई साहब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये धानु यात्रा, और कौन सा, नुआखाई, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच भी है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन सा त्यौहार है, तो धानु यात्रा आप बोलेंगे, और कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, वेंदीखलम उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से संबंधित है, वेंदीखलम मेघालय से संबंधित है, ठीक है। चलिएगा आगे, मेघालय से जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ बनते हैं वो देखिए, बांग्ला उत्सव, भाई साहब बार बार पूछा गया है बांग्ला उत्सव, बिल्कुल रट के जाना, नॉन्ग क्रेम भी बार बार, और स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय की, तो ठीक है आपको याद हो जाएंगे, ठीक। चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकिरनेई उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो सेकिरनेई उत्सव आपका कहाँ से संबंधित हो जाएगा सर, नागालैंड से संबंधित हो जाएगा, कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड के जो भी आपके उत्सव और मेले थे वो यहाँ पे देखिए, यमसे उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ओंगमोंग उत्सव कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से, मुआसु किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल बार बार पूछे जाने वाला फेस्टिवल है, और ये अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ठीक है, अब त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ठीक है, नागालैंड का उत्सव है क्या, हॉर्नबिल, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग यात्रा, क्या कांग रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी इसी टाइम पर, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे क्या क्या इसमें सुधार करने चाहिए, और क्या आपको इस वीडियो में कमी लगी, और कितने क्वेश्चंस आपको रखने चाहिए, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।